नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका बटनेर आईएएस में। आज हम बात करेंगे हमारे एक नए टॉपिक जो यूपीएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, भारत सरकार की योजनाएं। चाहे हम बात करते हैं यूपीएससी परी की, चाहे हम बात करते हैं यूपीएससी मेन की, दोनों ही एग्ज़ाम के अंदर भारत सरकार की योजनाओं से कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर आते हैं, यूपीएससी मेन के अंदर भी और यूपीएससी परी के अंदर भी। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत सरकार की योजनाएं। यदि इस टॉपिक के अंदर हम बात करते हैं तो सबसे पहली योजना हम देखते हैं भारत सरकार की, वो योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। सबसे पहले हम देखते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है क्या। नाम से ही पता चल रहा है किसके लिए होगी भाई, किसानों के लिए। किसान सम्मान निधि योजना है तो किसके लिए हो सकती है, किसानों के लिए हो सकती है। दूसरा, सम्मान निधि योजना है, किसानों को सम्मान देना है किसके द्वारा, निधि के द्वारा या धन देकर। तो सम्मानों किसान जो है उनको सम्मान देना है आर्थिक सहायता के द्वारा, धन के द्वारा। तो किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। यदि हम इस योजना की बात करते हैं तो इसके अंदर जब शुरुआत की गई थी तब ये रखा गया था कि वे किसान जो किसान छोटे किसान हैं या वे किसान जो किसान कौन से हैं, सीमांत किसान हैं, छोटे किसानों के लिए तथा सीमांत किसानों के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। अब यदि हम बात करते हैं छोटे किसान किसे कहेंगे, या हम बात करते हैं कि इस योजना के तहत सीमांत किसान किसे कहा गया, तो एक लिमिट दे दी गई कि वे किसान जिनके पास जमीन जो है वो जमीन 2 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर से क्या हो, कम हो, उन किसानों को माना गया। कौन से किसान, छोटे किसान माना गया या सीमांत किसान। यदि हम एकड़ के हिसाब से हम बात करते हैं तो एकड़ बनते हैं 4.9 एकड़। तो इस योजना में कहा गया वे किसान जिनके पास जमीन 2 हेक्टेयर या 4.9 एकड़ से कम है उन किसानों को दी जाएगी आर्थिक सहायता, किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। और आर्थिक सहायता जो दी जाएगी वो दी जाएगी 6,000 रुपये की, 6,000 रुपये वार्षिक, एक साल के अंदर 6,000 रुपये वार्षिक। और ये जो 6,000 रुपये वार्षिक दिए जाएंगे ये एक साथ नहीं दिए जाएंगे, इनको भी दिया जाएगा 3 किस्तों के अंदर, 2,000 रुपये की 3 अलग अलग किस्तों के अंदर। पहली किस्त 2,000 रुपये, दूसरी भी किस्त 2,000 रुपये और तीसरी किस्त 2,000 रुपये। उन किसानों को जो किसान छोटे किसान हैं, जो किसान हमारे सीमांत किसान हैं, उन किसानों को 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अब हम बात करते हैं कि इसकी घोषणा कब की गई तथा इसकी शुरुआत किस कब की गई और किसके द्वारा की गई। वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी योजना की घोषणा कब की गई थी, इस योजना की शुरुआत कब की गई थी, किसके द्वारा की गई थी। अब हम बात करते हैं कि इस योजना की घोषणा कब की गई। यदि घोषणा की यदि हम बात करते हैं तो इस योजना की घोषणा की गई थी जब भारत सरकार 2019 का अपना अंतरिम बजट पेश कर रही थी। जब भारत सरकार 2019 का अंतरिम बजट पेश कर रही थी तब इस योजना की घोषणा की जाती है, और घोषणा की जाती है 1 फरवरी 2019 को। इस बार का यदि मैं बात करूँ, हमारा अंतरिम बजट पेश किया गया था, हमारे एक मंत्री हुआ करते थे केंद्र सरकार के जिनका नाम था पीयूष गोयल, उस वक्त हमारे रेल मंत्री हुआ करते थे और रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने हमारा बजट पेश किया था पीयूष गोयल ने। जब ये बजट पेश हो रहा था तब हमारे वित्त मंत्री हुआ करते थे अरुण जेटली उस वक्त बीमार चल रहे थे, बीमार होने की वजह से वो बजट पेश नहीं कर पाते हैं और बजट पेश किया जाता है पीयूष गोयल के द्वारा। इस वजह से इस योजना की घोषणा की जाती है पीयूष गोयल के द्वारा अंतरिम बजट के अंदर, कब, 1 फरवरी 2019 को। हम बात करते हैं अंतरिम बजट क्या होता है। यदि अंतरिम बजट पर हम देखते हैं तो अंतरिम बजट होता है जिस साल चुनाव होने होते हैं, आपको पता है बजट पेश होता है फरवरी के अंदर और चुनाव जो होते हैं वो होते हैं मई जून के अंदर। जिस साल चुनाव होते हैं उस वक्त जो ये 3-4 महीने बच गए फरवरी से लेकर जून तक के, इन 3-4 महीनों के लिए सरकार को जो पैसे चाहिए, उन सरकार को जो पैसे चाहिए उन पैसों को लेने के लिए सरकार पेश करती है कौन सा बजट भाई, अंतरिम बजट। ये जो बजट है
सरकार का अंतिम बजट होता है। ये जो बजट है केवल 3-4 महीनों के लिए होता है। इस बजट के बाद पता है कि नई सरकार आ जानी है, या वो भी यदि दोबारा आएंगे तो चुनाव लड़के ही आएंगे, इसके बीच में चुनाव हो जाने हैं। इस वजह से अंतरिम बजट जो होता है ये लोक लुभावन बजट होता है। इस बजट के अंदर ऐसी घोषणाएं की जाती है जो जनता को लुभाने वाली होती है, और ऐसी ही एक घोषणा की गई थी जिसका नाम था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना की घोषणा हो चुकी है, लेकिन अब हम बात करते हैं शुरुआत की। यदि शुरुआत की हम बात करते हैं तो इस योजना की शुरुआत की जाती है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। बात कर रहे हैं हम योजना की शुरुआत होने की। घोषणा हम देख चुके हैं, पीयूष गोयल द्वारा की जाती है। शुरुआत की यदि हम बात करते हैं, शुरुआत कौन करते हैं, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, और भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं, श्री नरेंद्र मोदी। तो भारत के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस योजना की शुरुआत की जाती है। शुरुआत की जाती है 21 फरवरी 2019 को। योजना की शुरुआत कब की जाती है भाई, 21 फरवरी 2019 को इस योजना की शुरुआत की जाती है। घोषणा के 20 दिन के बाद ही इस योजना की शुरुआत कर दी जाती है। शुरुआत कहाँ से की जाती है, यदि उस स्थान का नाम देखें तो शुरुआत की जाती है उत्तर प्रदेश राज्य से, और उत्तर प्रदेश राज्य का वो जिला जहाँ से इसकी शुरुआत होती है वो है गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से शुरुआत की जाती है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की। यदि हम बात करते हैं गोरखपुर की, तो आपको पता होगा यूपी के मुख्यमंत्री कौन है भाई, योगी आदित्यनाथ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो लोकसभा क्षेत्र हुआ करता था वो कौन सा हुआ करता था भाई, गोरखपुर हुआ करता था। तो इस योजना की शुरुआत होती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लोकसभा क्षेत्र से। जब वो सांसद हुआ करते थे तब इनका लोकसभा क्षेत्र था गोरखपुर, उसी गोरखपुर से इनकी शुरुआत होती है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की। और शुरुआत जिस दिन होती है उस दिन क्या किया जाता है, शुरुआत में किया जाता है 1 करोड़ भारतीय किसानों को, कितने किसानों को, 1 करोड़ भारतीय किसानों को उस दिन इस योजना की पहली किस्त अदा की जाती है। 1 करोड़ भारतीय किसानों को योजना की पहली किस्त अदा की जाती है। और यदि पहली किस्त की मैं बात करता हूं तो पहली किस्त कितने रुपए थी, 2000 रुपये। तो इस दिन 1 करोड़ किसानों को, यूपी के किसानों को पहली किस्त अदा की जाती है 2000 रुपये की, और योजना की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। अब हम बात करते हैं भारत सरकार ने इस योजना के तहत कितनी लोगों को फ़ायदा देने का टारगेट रखा है। तो शुरू शुरू में मैंने बताया जब योजना शुरू होती है, लागू की जाती है, तब ये योजना शुरू की जाती है केवल उन लोगों के लिए जो लोग छोटे किसान थे, या जो लोग सीमांत किसान थे, या जिनके पास केवल 2 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर से कम की ज़मीन थी। लेकिन हाल ही के अंदर भारत सरकार जो है इस नियम के अंदर परिवर्तन कर देती है, और परिवर्तन के तहत भारत सरकार करती है कि जितने भी हमारे पास किसान हैं, चाहे वो छोटे किसान हो चाहे बड़े किसान हो, सभी के सभी किसान इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। वर्तमान में जो पहले ये लिमिट थी छोटे किसान की, या जो लिमिट थी सीमांत किसान की, या जो लिमिट थी हमारे पास 2 हेक्टेयर की, इस लिमिट को क्या कर दिया गया है भाई, हटा दिया गया है। और अब वे सारे के सारे भारतीय किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और इस योजना के तहत भारत के 14.5 करोड़ किसान जो है उनको इस योजना के तहत लाभ मिलने वाला है। सारे के सारे किसानों की यदि हम बात करते हैं तो उनके अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इसका फ़ायदा नहीं दिया जाएगा। हम उन देख लेते हैं कि वो कुछ लोग कौन हैं जिसको इस योजना का फ़ायदा नहीं दिया जाएगा, या जिनको इस योजना से वंचित रखा जाएगा। उन लोगों की यदि हम बात करते हैं तो पहले वे लोग हैं जो किसान सरकारी नौकरी पर हैं। यदि कोई भी किसान ऐसा है जो सरकारी जॉब कर रहा है, चाहे भारत सरकार के अधीन कर रहा है चाहे राजस्थान सरकार के अधीन कर रहा है, कोई भी किसान जो सरकारी जॉब कर रहा है उस किसान को इस योजना का लाभ नहीं दिया जा सकता। दूसरे वो किसान जो किसान किसी संवैधानिक पद पर हैं, वे किसान जो किसी
संवैधानिक पद पर है। यदि हम संवैधानिक पद की बात करते हैं तो कहीं से भी हम बात कर लें, छोटे से छोटा संवैधानिक पद वार्ड पंच सरपंच से लेके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक, यदि किसी भी संवैधानिक पद पे कोई भी किसान है तो उस किसान को भी प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। तीसरे, वे किसान जो कभी सरकारी नौकरी के अंदर थे, आज रिटायर हो चुके हैं, आज पेंशन ले रहे हैं, लेकिन उनकी पेंशन जो है वो 10,000 रुपये प्रति माह से ज़्यादा है। वे किसान जो आज रिटायर हो चुके हैं और उनकी पेंशन जो है, पेंशन कितनी है, 10,000 रुपये प्रति माह से ज़्यादा यदि उनकी पेंशन है तो उन किसानों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलने वाला। ये तीन व्यक्ति हैं जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो भी किसान हैं उन सभी किसानों को योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही साथ उन किसानों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा जिन किसानों ने पिछले साल अपना इनकम टैक्स भरा हो। कहने का मतलब, वे किसान जो इनकम टैक्स की श्रेणी के अंदर आते हैं, इनकम टैक्स भरने की श्रेणी के अंदर आ जाते हैं, उन किसानों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलने वाला। तो इन चार किसानों को हम यदि छोड़ देते हैं तो उनके बाद हर किसान को इंडिया का, चाहे छोटा किसान है चाहे बड़ा किसान है, ये जो लिमिट थी इस लिमिट को हटा दिया गया है, हर किसान को इस योजना का लाभ मिलेगा, जिसके तहत लगभग भारत की 14.5 करोड़ किसान जो है इस योजना के दायरे के अंदर आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि भारत सरकार के ऊपर इस योजना से कितना एक्स्ट्रा खर्च बढ़ेगा, कितनी लागत आएगी। तो इस योजना की लागत की यदि हम बात करते हैं तो इस योजना की लागत जो आनी है प्रतिवर्ष, यदि हम बात करते हैं तो 75,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की लागत आनी है, 75,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष। प्रतिवर्ष खर्च करके भारत सरकार किसानों को 6,000 रुपये प्रति साल, या मैं कह दूं 2,000 रुपये की 3 किस्तें अदा करेंगी। इसके तहत भारत सरकार ने 2019 का जो अंतरिम बजट आया था, 2019 के अंतरिम बजट के अंदर 20,000 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि भारत सरकार ने मंजूर करवा दी थी, क्योंकि 2019 के अंतरिम बजट के वक्त केवल एक ही किस्त किसानों को दी गई थी, केवल एक किस्त दी गई थी और एक किस्त के लिए जो राशि चाहिए थी भारत सरकार को वो थी 20,000 करोड़ रुपए, और वो भारत सरकार ने पहले ही ले ली थी भारतीय संचित निधि से या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि इस योजना से किसानों को लाभ क्या होगा। 6,000 रुपये प्रति साल, क्या 6,000 रुपये प्रति साल काफ़ी हैं? तो यदि मैं बात करता हूँ, योजना शुरू जब की गई थी केवल छोटे किसानों के लिए शुरू की गई, योजना शुरू जब की गई थी केवल उन किसानों के लिए जिनके पास जमीन जो है 2 हेक्टेयर से कम थी। यदि उन किसानों की यदि हम बात करते हैं जिनके पास जमीन 2 हेक्टेयर से कम है, तो उन किसानों को खेती करने के लिए जो बीज चाहिए उसके लिए भी पैसे चाहिए, वो उनको लेने पड़ते हैं साहूकार से। बीज के अलावा उनको खेती के लिए खाद चाहिए या जो आवश्यक जरूरी काम चाहिए उन सब चीज़ों के लिए पैसे चाहिए होते हैं। और यदि उस वक्त उनको 2,000 रुपये की भी आर्थिक सहायता मिल जाती है तो वो आर्थिक सहायता भी उनके लिए सोने पे सुहागा जैसी है, बहुत बड़ी आर्थिक सहायता होगी। यदि 2,000 रुपये मिल जाए, उनको बीज चाहिए, इतना ही बीज चाहिए कि 2,000 रुपये में आ सकता है उनका, तो बीज खरीदने के लिए उनको पैसे मिल गए, उतनी सहायता उनके लिए काफ़ी ज़्यादा है। तो उस वक्त जब उनको रुपये की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है उस वक्त इतनी सी आर्थिक सहायता जो है वो भी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि इस योजना का क्रियान्वयन जो होगा वो किस तरह से होगा, कैसे किया जाएगा। यदि बात करते हैं योजना के क्रियान्वयन की, तो योजना का क्रियान्वयन जो था, जब योजना आई थी 2019 के अंदर शुरू के अंदर, तब योजना का क्रियान्वयन पूरी तरह से ऑफलाइन हुआ करता था। जिला मुख्यालय के पास जाके वहाँ पे हमें पंजीकरण करना पड़ता था अपने आप को, जो जो हमारे डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड हो गया, हमारे बैंक खाते की जो कॉपी है, बैंक खाते की कॉपी हमें देनी पड़ती थी, हमारी ज़मीन जितनी भी है उसकी जमाबंदी या हमारी ज़मीन के कागज़ जो है वो भी हमें इसके अंदर देने पड़ते थे। उतने सब कागज़, आधार कार्ड, बैंक खाते की कॉपी और हमारी ज़मीन की जमाबंदी, ये सब हमें जमा करवाना पड़ता था जिला मुख्यालय के ऊपर जाके। जिला मुख्यालय से वो कागज़ भेजे जाते थे राजस्थान सरकार को, और सभी की सभी राज्य सरकारें जो हैं सबसे पहले हमें डॉक्यूमेंट देने पड़ते थे जिला मुख्यालय पर जाके, जिला मुख्यालय से वो डॉक्यूमेंट जाया करते थे राज्य सरकार के पास, और राज्य सरकार उन डॉक्यूमेंट को भेजा करती थी केंद्र सरकार के पास।
और जब ये डॉक्यूमेंट केंद्र सरकार के पास जाते और यदि केंद्र सरकार इसकी पुष्टि कर देती उन डॉक्यूमेंट की कि आपके डॉक्यूमेंट सही है तो योजना शुरू हो जाती थी और पहली किस्त मिल गई थी 2000 रुपये। तो पहली किस्त मिली थी वो तो इसी तरीके से मिल गई थी, ऑफलाइन माध्यम से मिल गई थी, लेकिन धीरे धीरे इस योजना को बना दिया गया पूर्णतः डिजिटल। आज के टाइम में योजना जो है पूर्णतः ऑनलाइन हो चुकी है। इसके लिए यदि आपको आवेदन करना है तो भी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, आधार कार्ड से अपना खाता जोड़ना है तो भी आधार कार्ड से आप अपना खाता जोड़ सकते हो। और यदि आपने ये देखना है कि आपकी 2000 रुपये किस्त जो है पहली किस्त, दूसरी किस्त या तीसरी किस्त आ चुकी है तो वो भी आपको ऑनलाइन इसकी जानकारी मिल सकती है। ये जो 2000 रुपये आपको मिलने हैं ये 2000 रुपये आपको कैश के फॉर्म में नहीं मिलने, इनको भी डिजिटल किया गया है और ये आपको खाते मिलेंगे DBT के द्वारा। ये 2000 रुपये कैसे मिलेंगे भाई? DBT के द्वारा। DBT क्या होता है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। यदि DBT की यदि मैं बात करता हूँ तो DBT क्या है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो ये जो रुपए मिलने हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के द्वारा मिलने हैं, कहने का मतलब जो रुपए आपको 2000 मिलेंगे या जो किस्तें आपको मिलेंगी वो सीधे की सीधे आपके बैंक खाते के अंदर जाएगी, कोई भी बिचौलिया नहीं होगा, सीधे बैंक खाते के अंदर मिलेगी। इस योजना के लिए आपके बीच में कोई भी किसी भी तरह का कोई भी बिचौलिया नहीं होगा। कहने का मतलब जितनी रकम या जितनी सहायता आपको सरकार देना चाहती है उतने की उतनी पूरी की पूरी सहायता आपको ही मिलेगी, कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो आपके इन 2000 रुपये में से कुछ अंश आपसे ले सकता है। यदि हम बात करते हैं कि इस योजना की सबसे पहले शुरुआत किसने की, तो भारत सरकार ने इसकी शुरुआत की थी 1 फरवरी 2019 को इसकी घोषणा की थी और शुरुआत इसकी कर दी थी 21 फरवरी 2019 को। भारत सरकार के इसकी शुरुआत करने से पहले ही हमारे इंडिया का एक राज्य ऐसा था जिसके अंदर इस तरह की योजना चल रही थी और वो राज्य हमारा था तेलंगाना। भारत सरकार का एक राज्य जिसका नाम क्या है भाई? तेलंगाना। हमारा 29वां राज्य था, अभी हमारा 28वां राज्य हो चुका है। तेलंगाना राज्य ने इसकी शुरुआत की थी और तेलंगाना राज्य के अंदर ये जो योजना थी ये चल रही थी रामथू बंधु नाम से, जो तेलंगाना राज्य की रामथू बंधु नामक योजना थी। रामथू बंधु नाम की योजना को ही भारत सरकार ने एज इट इज ले लिया और उसका नाम बदल दिया और कर दिया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो ये थी हमारी आज की पहली योजना जिसका नाम था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। अगली वीडियो के अंदर हम भारत सरकार की और नई योजनाएं लेके आएंगे। धन्यवाद।